हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही बहुत 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 ही ज्यादा डिलीशियस रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है चॉकलेट बबली केक की रेसिपी। जी हाँ, ये वही बबली केक है जो आप मार्केट में, जैसा आप बबली चॉकलेट खाते हैं सेम वैसा ही ये बबली केक है। इसका टेस्ट भी वैसा ही है बिल्कुल, इनफैक्ट इससे ज्यादा अच्छा भी है क्योंकि इसमें चॉकलेट का टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है और साथ ही साथ आपको केक का भी इसमें टेस्ट मिल रहा है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट बबली केक बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले ये ओरियो बिस्किट्स, ये ओरियो बिस्किट 10 रुपीज वाली दो पैकेट मैंने ली है, और ये चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मिल्क की, इससे हमें सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही मिल्क चाहिए, और ये थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए मिल्क। और इसके बाद फिर हम लेंगे मिल्क कंपाउंड। ये मिल्क कंपाउंड है, इससे चॉकलेट बबली केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसमें डार्क कंपाउंड भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें मिल्क कंपाउंड ही यूज करूंगी। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉयलर प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो माइक्रोवेव ओवन में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं घर में सबसे इजी तरीका यूज करने वाले ही तरीके में आप लोगों को बता रही हूँ। इसके लिए हमें एक सॉस पैन या एक कोई गड्ढे वाला बर्तन लेना है और इसमें पानी गर्म करने देना है। थोड़ा सा जब पानी में बुलबुला आने लग जाए, आप देख सकते हैं, तो इसमें हमें ये चॉकलेट बोल को रख देना है। और थोड़ा सा और जब बबल आएगा तो हम रखेंगे। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है और इसमें थोड़ा थोड़ा बबल आने लगा है। हमारा पानी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने चॉकलेट की बोल को रख देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते हुए इसे मेल्ट होने देंगे। डबल बॉयलर के प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा जो चॉकलेट है वो जलता नहीं है, क्योंकि चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। इसे डायरेक्ट हीट में अगर हम डालेंगे तो ये जल सकते हैं। हमें इसे धीरे धीरे चलाते रहना है और आप देखेंगे कि ये मेल्ट होते जाएगा। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मेल्ट हो रहा है। हमारा चॉकलेट अब आधा मेल्ट हो चुका है। हमें इसे इसी तरह मेल्ट करते रहना है। हमारा चॉकलेट अब मेल्ट हो चुका है, तो अब हम अपने ओरियो बिस्किट्स को ग्राइंडर मशीन में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। इसे इस तरीके से ग्राइंड करना है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क कंपाउंड डालेंगे, जो हमारे मिल्क चॉकलेट है। इसे हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि छोटे बोल में ये अच्छे से मिल नहीं पाए। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और हमें ये देखना है कि इसमें कितने दूध पड़ेंगे। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। इसमें मिल्क हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो गया है।
अब हम एक गार्निश शीट लेंगे। ये गार्निश शीट आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगी इजीली, और अगर आपको वो नहीं मिलती हैं तो आप एक बटर पेपर ले लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिएगा। अब हम इसमें अपने मेल्टेड चॉकलेट्स को डालेंगे। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने चॉकलेट को थोड़ा सा और गर्म कर लिया था ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब हमने जो डो तैयार किया था ना, इससे हमें छोटे छोटे लोई बना लेना है। हम किसी भी साइज के लोई बना सकते हैं, छोटे बड़े, क्योंकि हम बबल केक बना रहे हैं तो इसमें साइज मैटर नहीं करते। आप छोटे बड़े मीडियम किसी भी साइज के गोले बना सकते हैं और उसे अच्छे से इसमें प्लेस कर सकते हैं। आप गोले के साइज को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये छोटे बड़े, आपको जैसा दिल करे आप वैसा बना सकते हो। अब हम इसमें अपने चॉकलेट्स को फिर से एक बार गर्म करके और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे इसी तरह चम्मच की मदद से हल्का हल्का डाल के इसे स्प्रेड करना है। हमें इसे डालने के बाद अब इसे थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि जो चॉकलेट से वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और जो एजेस है जहाँ पे बाकी रह गए हैं वहाँ भी डाल के हमें अच्छे से इसे टैप कर देना है ताकि हमारे जो चॉकलेट है वो अच्छी तरीके से हर जगह फैल जाए। अब हमें एक स्केल की सहायता से जो एक्सेस चॉकलेट है उसे हटा लेना है। जितने भी साइड्स में एक्सेस चॉकलेट लगे हुए हैं उसे हमें आराम से हटा लेना है, और जो चॉकलेट्स और बच गए हैं जो सीड्स में लगे हुए उसे हमें किसी कपड़े की मदद से उसे पोंछ लेना है ताकि एक क्लीन शेप मिले। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें इसी तरह साफ करना है। अब हम अपने ये जो केक है इसे रेफ्रिजरेट होने के लिए रख देंगे। इसे हम करीब आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुके हैं, अब हमें इसे इस गार्निश शीट से हटाना है। आप देख सकते हैं हमारा ओरियो बबली केक कितना अच्छा बना है। इसके जो एजेस है इसे हमें अच्छे से हटा लेना है। इसे आप काट के देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये कितना स्मूथ है, ये देखिए कितना परफेक्ट बना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना परफेक्ट बबली केक बना है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बबली केक बना है। ये खाने में बिल्कुल ही बबली चॉकलेट की तरह लगेगा। मैं आपको इसे ट्राई करके बताती हूँ। फ्रेंड्स यम्मी, इसका A1 टेस्ट है। आप इसे खा के खुद देखिएगा, आप खुद इसे घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो सिंपल था ना आज का रेसिपी, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वो रेसिपी कैसा लगा। अगर आपने वो रेसिपी ट्राई की तो उसका पिक जरूर मेरे फेसबुक पेज में डालिएगा, मैं भी उसे देखूंगी और मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं।
मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आपने नहीं किया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स सभी के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।